आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवर की चर्बी पड़ी है या नहीं, इस बात का सटीक उत्तर नहीं मिल पाया है। जिस रिपोर्ट के आधार पर दावे किए गए उससे जुड़े कुछ सवाल अभी बाकी हैं, लेकिन एक चीज निर्विवाद है कि जिस घी पर विवाद हुआ वो कहाँ से आया था। एक नाम सोशल मीडिया पर तैर रहा है, AR। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि जो AR कंपनी तिरुपति बालाजी को घी सप्लाई कर रही है उसके मालिक पाकिस्तानी हैं। एक स्क्रीनशॉट वायरल है जिसमें AR फूड प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों का नाम और उनकी लोकेशन लिखी है पाकिस्तान। तो क्या वाकई एक पाकिस्तानी कंपनी भगवान वेंकटेश के प्रसाद के लिए घी सप्लाई कर रही थी? नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज के दिन की पड़ताल। आज हम जानेंगे कि क्या एक पाकिस्तानी कंपनी ने तिरुपति बालाजी मंदिर में देसी घी सप्लाई किया। पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स के किए गए दावों को देखिए। शौर्य मिश्रा नाम के एक यूजर ने वायरल पोस्ट करते हुए लिखा, तिरुपति बालाजी में देसी घी की सप्लाई करने वाली कंपनी के डायरेक्टर के नाम निम्नलिखित हैं। नाम से ही इनके कुकृत्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी तरह का दावा जितेंद्र प्रताप सिंह नाम के यूजर ने भी किया था, हालांकि उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया था, लेकिन तब तक इस पोस्ट को 2 लाख से अधिक व्यूज हो चुके थे। लोगों के दावे आपने जान लिए, अब इन दावों की सच्चाई भी जान लेते हैं। सबसे पहले हमने गूगल पर कुछ कीवर्ड सर्च किए, हमें कई मीडिया रिपोर्ट्स मिली जिनमें तिरुपति बालाजी मंदिर में घी सप्लाई करने वाली कंपनी के बारे में बताया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर 22 सितंबर को छपी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में घी सप्लाई करने वाली कंपनी का नाम AR डेयरी है। ये नाम आप याद रखिएगा। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी होने का आरोप सामने आने के बाद तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TDD AR डेयरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहा है। रिपोर्ट में कंपनी के गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी कन्नन का बयान भी छपा है। उन्होंने अपने डेयरी पर लगे आरोपों को निराधार बताया है। हमने कंपनी के नाम की पुष्टि करने के लिए TDD की वेबसाइट को भी खंगाला। वेबसाइट पर कथित मिलावटी घी वाले विवाद को लेकर एक लेख छपा है। इसके अनुसार TDD को 5 कंपनियां घी सप्लाई करती थी। ये 5 कंपनियां हैं प्रीमियम एग्री फूड्स, कृपाराम डेयरी, वैष्णवी, श्री पराग मिल्क और AR डेयरी। यहाँ ये स्थापित हो जाता है कि घी सप्लायर का नाम AR डेयरी है। AR डेयरी के बारे में गूगल सर्च करने पर हमें इससे जुड़ी एक वेबसाइट मिली। इसमें कंपनी का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। वेबसाइट के अनुसार AR डेयरी तमिलनाडु की कंपनी है जिसकी स्थापना साल 1995 में दूध और उससे जुड़े उत्पादों को बनाने के उद्देश्य से की गई थी। कंपनी के निदेशकों की सूची में 3 नाम है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजशेखरन और R सूर्या प्रभा और AS श्रीनिवासन, इसके बाकी 2 निदेशक हैं। माने दूध सप्लायर की लोकेशन तमिलनाडु है न कि पाकिस्तान। फिर वायरल स्क्रीनशॉट में पाकिस्तान कैसे लिखा रहा है? तो इसका जवाब ये है कि जो जनता पाकिस्तान पाकिस्तान कर रही है उसे कंपनी का ठीक नाम मालूम ही नहीं है। वायरल पोस्ट में AR फूड प्राइवेट लिमिटेड की जानकारी है। कंपनियों का डाटाबेस रखने वाली वेबसाइट रॉकेट रीच पर मौजूद जानकारी के अनुसार AR फूड का पता पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद दिया गया है और कंपनी की स्थापना साल 1970 में हुई थी। कंपनी की लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार ये खाने पीने की चीजें बनाने वाली एक कंपनी है। माने 2 अलग अलग कंपनियां हैं, AR डेयरी जो तिरुपति बालाजी को घी सप्लाई करती है और AR फूड प्राइवेट लिमिटेड जो पाकिस्तान में स्थित है। ट्रोल्स ने इन दोनों में से एक AR को पकड़कर एक बता दिया है। तो कुल जमा बात ये कि तिरुपति बालाजी मंदिर में घी सप्लाई करने वाली कंपनी का नाम AR डेयरी है जो कि एक भारतीय कंपनी है। सोशल मीडिया पर बालाजी मंदिर में घी सप्लाई वाली कंपनी के नाम पर भ्रामक दावा शेयर किया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये पड़ताल आपके लिए की थी हमारे साथी शुभम ने। देश दुनिया की तमाम खबरें देखते रहे ललन टॉपर। शुक्रिया।